हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बॉडी बिल्डर्स इंजर्ड क्यों होते हैं और इंजर्ड होने का कारण क्या होता है और इंजर्ड होने से कैसे बचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंजर्ड होने का सबसे पहला कारण तो ये होता है कि अपने क्षमता से अधिक वेट उठा लेते हैं बॉडी बिल्डर्स, ये एक पहला कारण होता है। और अपने क्षमता से अधिक वेट उठाने के कारण उनका फॉर्म भी सही से नहीं हो पाता। अगर आप अपने क्षमता से अधिक वेट उठाइएगा तो आपका सही फॉर्म में वर्कआउट नहीं होगा तो आपका इंजर्ड होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इंजर्ड होने का तीसरा कारण कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वर्कआउट करते हैं, तो यहाँ पर भी इंजर्ड होने का आपका चांस है। अगर आप जोश जोश में बहुत ज़्यादा वजन उठाकर जैसे तैसे मारने लगिएगा, सही फॉर्म में नहीं कीजिएगा, तो यहाँ पर इंजर्ड होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप जोश में भी हैं एकदम कि आज बहुत ज़्यादा वजन उठाना है, तो आपको कोशिश करना है कि मेरा फॉर्म जो है वो सही हो, वो परफेक्ट फॉर्म में हो वर्कआउट। अगर आप 50 पुशअप्स मार रहे हैं और सही फॉर्म में नहीं है, तो वो आपका 50 पुशअप्स बेकार है। आप एक पुशअप्स या दो पुशअप्स मार रहे हैं और सही फॉर्म में है, तो वही आपके लिए बहुत बेस्ट है। और सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण तो वार्म अप का नहीं करना है। इंडिया में लोग वार्म अप नहीं करते हैं, वार्म अप पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जैसे तैसे वार्म अप करके वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप मिनिमम 15 मिनट सही से वार्म अप नहीं कीजिएगा, तो आपका इंजर्ड होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और वार्म अप करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप वार्म अप कर लेते हैं, उसके बाद आपका वर्कआउट का सही फॉर्म नहीं भी है, तब भी आपको वार्म अप बचाता है इंजर्ड होने से। और वार्म अप क्यों बचाता है इंजर्ड होने से, क्योंकि वार्म अप करने का मतलब है कि आप अपने मसल्स को एक्टिव कर लिए, आपका शरीर समझ गया कि हाँ अब ये वजन उठाने वाला है, उसके लिए शरीर रेडी हो गया। अगर आपका शरीर रेडी नहीं है, आप जाकर डायरेक्ट ज़्यादा वजन उठाकर एक्सरसाइज करने लगिएगा, तो आपका इंजर्ड होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं रियान क्राउली का, इनके साथ क्या हुआ था कि पहले सेट में ये बहुत ज़्यादा वजन उठा चुके थे और दूसरे सेट में भी और ज़्यादा वजन उठा चुके थे, उसके बाद भी ये पूरे तरह से थक चुके थे, उसके बाद भी तीसरे सेट में ये और ज़्यादा वजन को बढ़ा दिए। पहले जितना ज़्यादा उठाए थे उससे और ज़्यादा बढ़ा दिए, और ज़्यादा ये जोर लगा दिए। जब ये पूरे तरह से थक चुके थे, इनका स्टेमिना ख़त्म हो चुका था, उसके बाद भी पूरा अपना जोर लगा दिए। आपको अपना क्षमता से अधिक जोर आपको नहीं लगाना है। अगर आप क्षमता से अधिक जोर लगाते हैं तो इंजर्ड होने का चांस बहुत ज़्यादा है। जितना आपका क्षमता है उतना ही वर्कआउट कीजिए और एकदम धीरे धीरे प्रॉपर फॉर्म में वर्कआउट कीजिए। सही फॉर्म में वर्कआउट कीजिएगा, अच्छे से वार्म अप कीजिएगा, तो आपका इंजर्ड होने का चांस ही नहीं है। और आपको वेट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाना है। पहले अगर आप 10 किलो उठाते हैं तो धीरे धीरे आपको 12 किलो उठाना है, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 16, आपको 2-2 किलो 1-1 किलो करके अपना वजन, मतलब अपना डंबल का वजन या अपने वेट प्लेट का वजन बढ़ाना है आपको। एक बार में आपको ज़्यादा नहीं बढ़ा लेना है। अगर आप 10 किलो के डंबल से वर्कआउट करते हैं तो अचानक आपको एक बार में 20 किलो से नहीं करने लगना है, आपको धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड देते जाना है। और अगर आप एक बार में ज़्यादा वजन उठा लेते हैं अपने क्षमता से अधिक, तो इसमें इंजर्ड होने का चांस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैला दीजिए हमारे वीडियो को। धन्यवाद।